हेलो एंड वेलकम टू क्लैब ट्रैप। एक बार फिर हम आ गए हैं डायमंड इंटीरियर में। डायमंड इंटीरियर जो कि शील फाटा रोड पे है, पलावा सिटी के पास में और कल्याण थाने में, और इसकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। डायमंड फर्नीचर की खास बात यह है, लास्ट टाइम हमने अपने वीडियोस में बताया था कि यहाँ पे आपको ज़रूरत भर का सारा सामान मिल जाता है, बीट अलमेरा, सोफ़ा, बेड्स, डाइनिंग टेबल्स और सब, क्योंकि इनका होम प्रोडक्शन है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग है इनका खुद का। वसीम भाई ने लास्ट टाइम काफ़ी कुछ बताया था, एक बार फिर से वसीम भाई से बात करेंगे हम। अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई। वालेकुम अस्सलाम। वसीम भाई, पिछली बार आपने ग्रीन कलर का एप्पल ग्रीन में सोफ़ा दिखाया था, जी, पिछले एपिसोड में हमने कवर किया था, जो बहुत अच्छा था और काफ़ी डिमांड रहती है लोगों की, कि लोगों को कुछ राइट हैंड साइड फ्री, यानी कि उनको RHS बोलते हैं, राइट हैंड साइड सोफ़ाज, जो फ्री होता है और फ्लैट्स में, क्योंकि अच्छे होते हैं वो, और या LHS होता है अपनी ज़रूरत के हिसाब से। मैंने देखा था एक सोफ़ा, आज हम उसको कवर करेंगे और ये बेज कलर में है, तो इसके बारे में ज़रा आप हमें बताइए। तो ये एल शेप में LHS है, इसमें साथ में पीछे बैकिंग नहीं होती है, आप बैकिंग नहीं होगी, आप इसमें लेट सकते हो आराम ये, ओके, करने के लिए आराम से आप इसमें। अच्छा, ये वैसे सीटर कितना है, कितना सीटिंग है इसमें? 1 2 3 4 5 5 5, ओके। वसीम भाई, हम इसको एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन मैं ज़रा अपने दर्शकों को बता दूं अबाउट दिस पर्टिकुलर LHS सोफ़ा। लाइफ हैंड साइड से फ्री होने का पर्पज़ इसलिए होता है कि अगर आप इसको ऐसी जगह पे प्लेस करते हैं जहाँ पे कि इधर से आपकी एंट्री है, और आप इसको ऐसे प्लेस करिए तो लोग जो इस तरफ, अगर आपका डाइनिंग एरिया है आपके पीछे की तरफ, तो यहाँ बैठे हुए लोगों को वो इंसान दिखता है आपके डाइनिंग एरिया में, और कुछ लोग वो फेसिंग करके भी बैठ सकते हैं, इसलिए ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है, इसलिए इसमें पीछे, हाँ, ये तीन साइड से इसमें बैठ सकते हैं। ये सोफ़ा का बहुत बड़ा एडवांटेज है, जी जी, जो जनरली सोफ़ाज में नहीं होता, और ये आजकल ट्रेंड में भी हैं, कल्चर में भी हैं। ठीक है वसीम भाई, तो ये बताइए मुझे कि ये आप बता रहे थे कि इसमें स्लीप सोने का अरेंजमेंट भी है, इसके ऊपर आदमी सो भी सकता है, आराम से सो सकते हैं जी। ओहो, ओके, तो लगभग आपकी हाइट भी 5'11" के आसपास है, आप कम्फर्टेबली 5'8" है और आप आराम से इसके ऊपर रिलैक्स कर सकते हैं। ओहो, और आपसे अगर कोई थोड़ा छोटा होगा तो पूरा सो भी सकता है इसका, आप सेटी निकाल के सो सकते हैं, तो दिस इज, फिर आपको सोफ़ा कम बेड की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत नहीं। ऑल राइट, ओके, अब बताएं इसकी लेंथ कितनी है वहाँ से? लेंथ इसकी 8 फीट आई। अच्छा, ये तो टोटल 8 फीट है, और वहाँ से लेके यहाँ तक कितना है ये? ये 5 फीट आई। ये 5 फीट है, और इसकी चौड़ाई कितनी है ये विड्थ? चौड़ाई ये 3.5 के आसपास है। 3.5 फीट है ये, ओके। आइए अब इसका देखते हैं कि हाइट कितनी है यहाँ पे। ये हाइट कितनी है वसीम भाई? ये 1 फीट है। ये लगभग 1 फुट की हाइट, एक फुट की हाइट। और नीचे क्या बफर दिया हुआ है इसमें? बफर रहता है, हैवी बफर रहता है। अच्छा, अच्छे क्वालिटी का। अच्छा, ये बफर का पर्पज़ है, मूव करने के लिए इजी होता है, इसमें बफर्स लगे हुए हैं, यानी कि इसको आप आराम से मूव कर सकते हैं एज इट इज़। ये दो पार्ट्स में है, दो पार्ट्स, एक सोफ़ा वो है, एक सोफ़ा ये है। अच्छा अच्छा, तो ये दो पार्ट्स में है ऑलरेडी, और मूव करना वैसे भी आसान है, एट द सेम टाइम इसके नीचे बफर भी दिए हुए हैं। और मैं इसकी स्टिचिंग के बारे में देखूं अगर, तो बड़े गौर से देखने पर पता चलता है कि स्टिचिंग इसकी बहुत अच्छी क्वालिटी की स्टिचिंग है, मुझे लगता नहीं है इसमें कोई उधड़ने के चांसेस हैं। नहीं, अच्छे क्वालिटी है। ये क्या अपहोल्स्ट्री है इसकी, इसके ऊपर जो कवर है, क्या फैब्रिक, क्या है ये? फैब्रिक रेगजिंग है, ये रेगजिन है, हैवी क्वालिटी का। ओके ओके, इसका मेंटेनेंस क्या होता है वसीम भाई, इसको मेंटेन करने के लिए क्या, इसमें किस तरह से इसको मेंटेन किया जाता है, गंदा हो जाए तो कैसे साफ करते हैं? वॉश कर सकते हैं इसको। अच्छा, पाइप पोंछ सकते हैं आराम से, नो टेंशन। अच्छा, इसको पोंछ के साफ कर सकते हैं, गीले कपड़े से साफ कर सकते हैं? साफ करते हैं बिंदास इस चीज को। अच्छा, खराब होने का कोई टेंशन नहीं इस चीज में। ऑल राइट, सूखे गीले कपड़े कैसे से भी साफ कर सकते हैं इसको, और इसमें बस सिर्फ इस चीज का ख्याल रखना होगा कि बच्चे इसमें ब्लेड्स ना मारें, जो कि जनरली हर फर्नीचर में होता है। ब्लेड नहीं लगा तो चलेगा, बहुत अच्छे टाइम तक जाता है। अच्छा, कितनी लाइफ होगी इसकी? इसका कम से कम 9-10 साल। 9-10 साल, ओके। हिलना नहीं सोफे को। ऑल राइट, अंदर वुड है इसमें और स्पंज है? यस, साल वुड का लकड़ा। अच्छा, साल वुड लगाया है इसमें, साल और इसके अंदर स्पंज भी आपने अच्छा यूज किया, स्प्रिंग नहीं है इसमें? ओके, स्प्रिंग है, स्प्रिंग है इसके अंदर, स्प्रिंग है। स्प्रिंग में हैवी क्वालिटी, मतलब इसमें जंप कितना भी करो हिलना नहीं, ऐसा कितना भी जंप करोगे तो हिलना नहीं। ओहो, हिलेगा नहीं बिल्कुल, ये वापस उसी शेप में आ जाता है जिस शेप में आपने इसको छोड़ा था।
जंप करने के बाद में ये क्वालिटी, ये पहचान है। तो हिल लगा नहीं। ओके वेरी नाइस। एक क्विंटल का वेट कैसा भी रखो तो हिल। अच्छा एक क्विंटल तक का इसके ऊपर आप वेट ले रख सकते हैं। रखो बैठो, नो टेंशन इस चीज में। और इसके पीछे जो ये हेडरेस्ट है ये इसमें भी सेम क्वालिटी है, इसको आप मूव कर सकते हैं। अच्छा इफ़ यू वॉन्ट टू रिलैक्स ऑन दिस सोफा आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड चॉइस। यू कैन सिट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज दिस हैज रिक्लाइनिंग हेडरेस्ट जिसको आप अपनी जरूरत के हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं और ये उसी हिसाब से फिक्स हो जाता है। अभी वापस पुश भी नहीं हो रहा है। ऑल राइट अच्छा खींच के इसको आप जोर से पीछे पुश कर सकते हैं। ओ इवन अ स्मॉल किड कैन डू इट, छोटा सा बच्चा भी कर सकता है काम। ये तो बहुत अच्छा है। ओके ऑल राइट। तो ये कितने का है वसीम भाई? 26,000। दिस इज फॉर 26,000। ये आपका जो प्राइस है जो आप कोट करते हैं। ऑल राइट, बाकी तो कस्टमर बात कर लेंगे आपसे। ओके ओके, बात करने के लिए शुक्रिया, खुदा हाफिज़।